हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एके कुशवाहा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर विथ एके कुशवाहा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। अंग्रेजी के शिक्षण में इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज की इस सेशन में हम लोग द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पढ़ने वाले हैं। इसको अगर आपने नहीं पढ़ा है, इसके सारांश को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इस सेशन में हम लोग इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और आप जानते हैं पहले सप्लीमेंट्री में 3 चैप्टर थे, तो COVID-19 की वजह से रिड्यूस हो गया सिलेबस, तो 2 ही चैप्टर हैं। तो ये दूसरा चैप्टर है, यानी अंतिम चैप्टर है। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं। आइए शुरू करें आज की हमारी ये वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई इज विक्रमादित्य कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री? विक्रमादित्य इतिहास में महानतम न्यायाधीश क्यों कहे जाते हैं? आंसर, विक्रमादित्य वाज अ फेमस किंग इन हिस्ट्री। विक्रमादित्य इतिहास में एक प्रसिद्ध राजा थे। He is called the greatest judge in history. वे इतिहास में महानतम राजा कहे जाते हैं, न्यायाधीश कहे जाते हैं, जज कहे जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि he gave perfect justice to his people. क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को, अपने प्रजाजन को पूर्ण न्याय दिया। He gave his judgment with ग्रेट स्किल। उन्होंने अपने न्याय को बहुत निपुणता के साथ दिया। नेक्स्ट है, व्हाई वाज किंग विक्रमादित्य सो फेमस? राजा विक्रमादित्य इतने प्रसिद्ध क्यों थे? उत्तर, विक्रमादित्य लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग। विक्रमादित्य न्याय और ज्ञान पसंद करते थे। He gave perfect justice to his people. उन्होंने अपने लोगों को पूर्ण न्याय दिया। The guilty trembled before him. Guilty means अपराधी, trembled means कांपते थे, तो अपराधी उनके सामने कांपते थे। He never punished any innocent person. उन्होंने यानी विक्रमादित्य ने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया। सो ही वाज अ फेमस किंग इन हिस्ट्री। इसलिए वे इतिहास में एक प्रसिद्ध राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है, व्हाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर विक्रमादित्य? अब गिल्टी मीन्स अपराधी, अपराधी विक्रमादित्य के सामने क्यों कांपते थे? आंसर, द गिल्टी ट्रेम्बलेड बिफोर विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के सामने अपराधी कांपते थे। बिकॉज दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे, दैट हिज आईज, कि उनकी आँखें यानी विक्रमादित्य की आँखें वुड लुक स्ट्रेट इन टू दियर गिल्ट। उनकी आँखें सीधे उनके अपराध को देख लेंगी। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट हैपन टू द पैलेस एंड द फोर्टेस ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर डेथ? मृत्यु के बाद विक्रमादित्य के महल, पैलेस मीन्स महल, एंड फोर्टेस और किले, महल और किले का क्या हुआ? आंसर, आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के मृत्यु के पश्चात, हिज पैलेस एंड हिज फोर्टेस वर रुइंड, उनके महल और किला खंडहर हो गया। दे बिकेम पास्चर लैंड टू ग्रेज द कैटल।
मवेशियों को जानवरों को चरने के लिए वे चारागाह में तब्दील हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, व्हाट चेंजेस डिड द विलेज बॉय नोटिस इन द बॉय हु सैट ऑन द माउंट। माउंट मीन्स चबूतरा। तो वह गांव का लड़का जो चबूतरे पर बैठता था, तो व्हाट चेंजेस डिड द विलेज बॉयज नोटिस, गांव के लड़कों ने उस लड़के में कौन से परिवर्तन को देखा। आंसर, दे नोटिस दैट द विलेज बॉय हु सैट ऑन द माउंड, वे उन लड़कों ने देखा कि वो लड़का, गांव का लड़का जो चबूतरे पर बैठता था, लुक्ड वेरी डिफरेंट, बड़ा भिन्न दिखता था, अलग दिखता था। ही बिकेम ग्रेव, वह गंभीर हो गया। ही वॉज चेंजिंग हिज देयर वॉज चेंजिंग इन हिज मैनर, उसके ढंग में, व्यवहार में परिवर्तन था। नेक्स्ट देखेंगे छठा क्वेश्चन, व्हाट डिड द फर्स्ट एंजल आस्क द किंग। प्रथम दूत ने, जो पत्थर के दूत बने थे, एंजल बने थे, तो वो प्रथम दूत ने राजा से क्या पूछा। आंसर, द फर्स्ट एंजल आस्क्ड द किंग, प्रथम दूत ने राजा से पूछा, इफ ही हैड नेवर डिजायर टू रूल ओवर द किंगडम्स ऑफ अदर्स, क्या उन्होंने कभी दूसरों के राज्य में शासन करने की नहीं सोची। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज डिड द लास्ट एंजल वांट टू द किंग। अंतिम दूत राजा से किन गुणों की उम्मीद करता था, चाहता था। व्हाट डिड ही डू देन, तब उसने क्या किया। द लास्ट एंजल वांटेड द किंग टू हैव हार्ट एज प्योर एज द चाइल्ड। अंतिम दूत राजा से चाहता था कि उनका हृदय उतना पवित्र हो जितना कि बच्चे का, उस बच्चे का जो उस चबूतरे पर बैठता था। द किंग सेड दैट, राजा ने कहा कि हिज हार्ट वॉज नॉट प्योर लाइक द चाइल्ड, कि उनका हृदय, जब पूछा उसने कि क्या आपका हृदय उतना पवित्र है जितना बच्चे का, तो राजा ने कहा कि उनका हृदय उतना पवित्र नहीं है जितना बच्चे का। सो द लास्ट एंजल, इसलिए अंतिम दूत ने, फ्लू अप इन टू द स्काई, आकाश में उड़ गया, बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, उस स्लैब को, पटिया को, मार्बल स्लैब, संगमरमर की बनी पटिया को अपने सिर पर लेकर उड़ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका क्वेश्चन आंसर। इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको के लिए हेल्पफुल होगा, आप इसको पसंद करोगे। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।